देखिए समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग किया है, 12 सीट में 5 सीट तो हम लोग बिल्कुल चुन चुके हैं, जहां हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और मैं महाविकास आघाड़ी की जीत चाहता हूं, इसलिए महाविकास आघाड़ी में जो मैंने 5 सीटें चुनी हैं वो हमको चुन के हमारी आने वाली हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने भी आकर देख लिया है, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, अफसोस है मुझे। आदरणीय शरद पवार साहब ने कल बुलाया है, उनके पास जाऊँगा, अगर कल अनाउंसमेंट होता है, अलायंस होता है अच्छी तरह से तो ठीक है, वरना अब तो समय बचा नहीं है, 2 ही दिन बाकी है, मंडे और ट्यूसडे, उसमें फॉर्म भरना है। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, समय ख़त्म हो जाएगा तो क्या फ़ायदा, कल इंतज़ार करूँगा, नहीं तो फिर मैं 20-25 सीटें लड़ाऊँगा। प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे पास 3 पार्टियाँ हम लोग की है, जो बड़ी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी आदरणीय पवार साहब की, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है, इसमें आपस में सीटों का तालमेल शायद ज़्यादातर जो है ना, जहाँ तक मैंने सुना, मैं तो मीटिंग में बैठा नहीं हूँ, ज़्यादातर कांग्रेस और उद्धव साहब की शिवसेना में सीटों के बंटवारे में झगड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन अनाउंसमेंट के 15 दिन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, अफसोस की बात है, लेकिन जल्द कल हो जाए तो शायद कम से कम कुछ काम अच्छा हो सकता है। नहीं, अगर नहीं आता तो फिर हमने बोला ना, तब 20-25 सीट लड़ाएंगे फिर महाराष्ट्र में, क्या करेंगे।